इस प्रोग्राम से बच्चों और बुजुर्गों को दूर रखें। हेलो एंड सलाम अलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं एमजे विद मी मफिरा। सीएस जो हमारे आज की मेहमान है, शी इज यू कैन से बाइक भी चला सकती है, गुंडों को मार भी सकती है, तो गैंगस्टर भी है, तो सुपर वुमन भी है, प्यारी सी नजाकत वाली हीरोइन भी है, और पता नहीं क्या क्या है। बट हम ये सवाल उनसे पूछेंगे। वी हैव दी वन एंड ओनली अ स्वीट वुमन, अ डियर फ्रेंड, दी वन एंड ओनली सना फकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है मेरी जान? गुड टू सी यू। वैसे एक बात होता, मैं सना को बोलती हूँ, बंदे मेरे पीछे लगे ना, मैं मेरा बॉय को बुलावागी। अगर तू नहीं आई ना उन्हें टिशु मार करने, तो कसम खुदा दोस्ती गई। वैसे लुकिंग रियली नाइस, प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है सना? क्या नहीं चल रहा, सब कुछ चल रहा है। हाँ, सब चल रहे हैं या सब कुछ चल रहा है? सब कुछ चल रहा है। दुनिया तो चलती है, दुनिया गोल चलेगी तभी तो हम चलेंगे। यस, हर चीज चलने पर ही चलता है। नीचे जो है ना, वो हमें सिखाती है, वन हैज टू बी लाइक कॉन्स्टेंट। हाँ, लगे रहो, लगे रहो। तो जो जो आप नेचर को फॉलो करें, हाँ, तो नेचर को सपोर्ट करती है। कुछ लोग घर चलाकर लग जाते हैं ना। हाँ, तो फिर उनके साथ क्या होते हैं, उनको लाते मार के निकाला जाता है। लगे रहो फिर बस एंड ही लग जाते हैं। इतना ना लगो, यस, अच्छी जगह पे लगो। यू नो, चलना आपके ऊपर होता है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, यू नो, यू हैव टू मूव ऑन। एंड रास्ते आप लेते हो, अच्छा बुरा वो आपकी चॉइस होती है। तो मैं लगती नहीं, तुमने कहा लगे रहो, मैंने कहा मैं लोगों को भी लगा देती हूँ उसी पे। चलो, अच्छी बात है, कहाँ लगाती हो लोगों को? ये बताओ, इधर काफी लोग आ जाएंगे, लोग बड़े स्मार्ट हो गए हैं, हमें लगा दे प्लीज। हाँ, लग चुके हैं, प्यार से बोल रही हूँ, लगा दे। लग चुके हैं और लग चुके हैं। ओके, ये चीज कैसे? आई रिमेम्बर मी एंड यू, वी हैड द बेबी टुगेदर and you mashallah, yeah, like you know, ek hota hai aapas ki baat hai, two types of women. Some people bahut soj jaate hain and some people, main to be honest, bahut hi patli ho gayi thi, like anorexic type, haddi nahi hoti. Seriously, wo wala scene ho gaya tha. Kuch logo ko khana acha nahi lagta and some people, jaise mere ek dost the, wo bichare ke paon soj jaate hain. To tumne kaise kiya? Edema hota hai na, ye jo swelling jinko hoti hai, mujhe bhi thi at that point of time. So, वो कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता, तो ये होता है। लेकिन मार्शल आर्ट एक चीज है ना, लोग इतने जल्दी बाउंस बैक नहीं करते। तुम तो ऐसे चुप कर कर आए, कैसे हुआ? Because I took my criticism very seriously. So, I think that लोगों को criticize नहीं करना चाहिए। Criticism is good. नहीं, इतना नहीं अच्छा होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब criticism हम face करते हैं, that actually makes you rooted. आपको याद कराता है कि like you know it's okay, fine. हाँ, पर भले ना हो, हाँ, भले उन्होंने अपनी opinion दी हो, भले वो reality नहीं है, तो मैंने इस चीज को बहुत change way में feel किया है। और यही मैं अक्सर like you know if someone compliments me, तो उसमें इसका बहुत आता है कि आप with the time, सिर्फ आप एज नहीं कर रहे होते, आप इवॉल्व भी कर रहे होते हैं, आप ग्रो भी कर रहे होते हैं। Absolutely, you learn, you're being a better person. So, rather than like, you know, you confined your beauty in the face or in the face kind of like, you know, ye itni age mein aur itne usme main khoobsurat hoon, uske baad to main, so I think we should feel like khoobsurti jo hoti hai, ek dabbe mein band nahi kar sakte. So, I feel ke aap grow jab karte hain, to aap ka mind khoobsurat ho jata. मुझे बताओ सना, पुरानी वाली सना और इस वाली सना में फर्क क्या है? क्योंकि आपने तो हर, I think सना is one of the actresses जिन्होंने हर era देखा है, वो वाला भी, the beach one where you know इतनी ज़्यादा फिल्में नहीं बन रही थी, ये वो, और अब जहाँ अच्छी तरफ, and I think you've become a better and better and better person. Thank you so much. So फर्क क्या है उन दोनों में? क्योंकि काफी एक्ट्रेसेस है जो आपके साथ ही, जो पीछे ही रह गई, यू नो, अब तो पीछे देखो वाला सीन हो गया उनके साथ, बट हाउ डिड यू ग्रो? हाउ डिड आई मैनेज दिस? बाय द वे, एक तो मैंने आपको जैसे बोला है कि मैं वैसे ही कोई भी चीज करती हूँ, पीछे मुड़के नहीं देखती, एंड देन आई लाइक यू नो कीप मूविंग, आई बिलीव ऑन मूविंग अहेड। पहले तो चीजें थी, देखिए वो मैंने when like you start working, तो आप बहुत सारी चीज़ों से जब गुजरते हैं और आपके लिए बहुत सारे challenges होते हैं, लेकिन that point of time, I think I did not know what I was doing, that was my dark side.
Yes. And then when I start realizing ke, okay, you know, this is my existence and I need to work on this. And look, I believe log naam bhi bada attach kar lete hai na logon ke saath. अगर कोई किसी का दोस्त होता है वो उसके साथ अटैच कर लेते हैं. वो एक एक चीज थी हमारी, आई थिंक वो प्रीमैच्योर इंडस्ट्री थी. अभी भी इट्स नॉट येट मैच्योर, अभी भी हम मैच्योर हो रहे हैं. सो जिस तरह आई फील रियली बैड, भी थोड़े टाइम पहले हम ये बात कर रहे थे दैट सजल एंड आहत के डिवोर्स पर, वो बेचारे कुछ नहीं बोल रहे जितनी दुनिया बोल रही है. I think एक्टर की लाइफ और फेमस बनने की लाइफ वैसे ही चैलेंजिंग होती है. हाँ ये भी है कि उसको वही जैसे वेट, मुझे इतना लोगों ने बैश किया ऑन माय ओवरवेट, ऑन माय लाइक यू नो पोस्ट. But yeah, this is bad. They even did this with Sania Mirza, and I think that let the woman enjoy her motherhood. उनको बैश करने होता मेरा बेटा हुआ, because I had a very quiet wedding, तो उनका सवाल ये था बेटा किसका है. अब आप इस संकी, it's really sunky. So कभी ऐसा हुआ है माशाल्लाह लव मैरिज, कभी ऐसा हुआ कि बंदी बीच में आकर यू नो जी, बिकॉज ऑनेस्टली मतलब आई थिंक इन दोनों की जो जोड़ी है ना, इट्स रियली नाइस. दोनों बॉडी बिल्डर्स है, दोनों ही जिमिंग टुगेदर करते हैं, इट्स रियली रियली नाइस. तो कभी ऐसा हुआ है? आई थिंक आई एम नॉट इनसिक्योर वुमन एट ऑल. तो एक तो ये बात है कि मैं इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा सोचती हूँ. दूसरी बात यह कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, लोग सोचते हैं कि इफ मैन डज नॉट हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही माइट बी गे और ही माइट बी नॉट अ नॉर्मल मैन. रियली? हाँ, तो जो ऑनेस्ट बंदा होता है. और लड़कियां भी, खवातीन जो शोबिज में काम कर रही थी वो सिंगल होती हैं, तो दे माइट बी थिंक दैट यू नो दे आर लाइक. तो ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. अगर हम सिंगल रह सकते हैं. हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि जरूरी है कि कोई लड़की बीच में आए. हाँ, पर एक होता है ना दैट कोई ना कोई, आपको पता है, मुझे लगता है हम से क्यों नहीं पूछते एक दूसरे के लिए. हाँ, वो कैसे क्यों पूछते थे सवाल? नहीं, बात किधर गए? वो फौरन चले गए. नहीं, बात पता है क्या होती है, दैट औरत ही औरत की दुश्मन है, मुझे लगता है. अ वुमन कैन बिल्ड अ वुमन एंड अ वुमन कैन ऑल्सो ब्रेक अ वुमन. कोई पीछे फिजूल में पड़ी हुई हो, स्टॉक कर रही हो, मैसेजेस छोड़ रही हो, ये तो उससे सवाल पूछना चाहिए ना. मुझे क्या, अगर बोल भी दूंगी तो आपको थोड़ी लगेगा सच है. अरे बोल दो. नहीं नहीं, आप कम ऑन बोल दो. इट्स नॉर्मल, कोई भी लड़की पीछे पड़ सकती है. अगर नहीं पड़ी तो मींस के इज नॉट हैंडसम, लाइक नो ही हैज टू बी. लड़कियां पीछे पड़ो, लड़कियां पीछे पड़ो प्लीज, फादर के पीछे पड़ो. सारा जी मींस नो ही इज हैंडसम. अपने लिए नहीं, इनके लिए पीछे पड़ो. मुझे पता चलना चाहिए कि ओ माय गॉड और क्या क्या करे उनके साथ बताए कुछ. अब वो फोकस डिसाइड करने दे. ओ वाओ, ऊपर ऊपर से या गहराई में जाकर जहाँ उसका दिल चाहे, जहाँ उसका दिल चाहे. हाँ, कोई ख्वाबों में, लेकिन ख्वाबों में आए सब कुछ बोलने के बाद इन्होंने जो यू नो बिल्ली के मुंह से छींचने निकाले ना, वो तो बस छोड़ दे. मैं भी सोच रही थी, सारा बोल रही है हाँ हाँ फुल इजाजत इजाजत. कभी ऐसे हुआ सपना हुआ कि यार ये बंदा तो पकड़ा गया और उठो तो वो बराबर सो रहा है? मैं ऐसी हूँ नहीं. वो कभी इनसिक्योर हुआ है? एक होता है ना, आई बिलीव वो इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है ना, उसको पता है. आई नो, पर एक चीज ये होती है ना कि बंदा बोलता है यार ऑफ कोर्स सुपरस्टार हीरोइन प्यारी, उसने एक स्टेटस लिखा था बहुत अच्छा. हाँ, मुझे लोग पूछते हैं कि यू नो योर वाइफ इज लाइक यू नो she's a star, she's like doing this and she's like hi-fi life and every single person like hit on her. And what do you react? She said, first of all, that, you know, she's a female version of Bruce Lee. So I don't have any problem. And the other thing is that, you know, people who knows me well, they're 100 feet away and they don't know me. They're just, you know, 1 foot away hain apni kabar se. So, you know, kind of, I said, what is this? Ye kya tha? Bhai, aapne kya likha? इंडियन ड्रामा की तरह गोदी में आ गई क्या, कैसे हुआ? या वो गोदी में आए? कौन गोदी में आया? गोदी में आया. हाँ, वैसे मैं उसको उठा नहीं सकती, मेरे गोदी में नहीं आ सकता, मैं उसकी गोदी में जा सकती हूँ. मैं वैसे लंबी चौड़ी हूँ लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा लंबा है, ऐसा कह नहीं सकते. बट कैसे मिले? बेसिकली वी वर फ्रेंड्स एंड वी हैड लाइक यू नो, मुझे एक मूवी में बाइक चलानी थी एंड ही यूज्ड टू बी अ बाइकर. ओह वाओ,
तो बैड बॉय या आई लाइक बैड बॉयज तो आपको वो चिपक कर बैठे वो इन्होंने मुझे खुद ड्राइव करनी थी ओ वो चिपक कर बैठे हुए थे नहीं नहीं वो दूसरी बाइक पे मैं ऐसे निशान उल्टा चल रहा होगा फिर बाइक चिपक कर समय नहीं नहीं वैसे बहुत हमने वो भी ड्राइव की हुई हम लोग बहुत क्रूजिंग करते रहे ओके देन लाइक यू नो वी स्टार्ट मीटिंग और उसने मुझे बाइक से मैंने कहा ओके ही सुना इंजन बड़ा ही होता है ना छोटी छोटी हम छोटे नहीं है ना दोनों बड़े बड़े हम बड़ी बाइक चला सकते हैं फर्स्ट उफ किसने बोला आई लव यू ते प्यार ते शादी who got it on the table of course he yeah. okay that's he's more expressive than me yeah. really तुम expressive नहीं हो उधर expressive नहीं हो इधर नहीं नहीं मतलब being a friend is very expressive no I'm like you know in a way I'm not expressive so much okay I never been he's more filmy he's more like he wants like क्या मुझसे शादी करोगी वो वाली या ही इज लाइक रोज देकर ओके एक्सप्रेसिव वाला तो नेचर होती है ना मेरी नेचर नहीं है और मे बी यू क्लोज एक होता है ना बट कुछ लोग को लगता है आई टेक टाइम टू लाइक यू नो या एक वो भी होता है दैट टू बी ऑनेस्ट विद इन द इंडिपेंडेंट वुमन में एक मसला जो आ जाता है वो ये होता है कि वो हर चीज को बहुत आराम खुद डील कर लेंगे I think I'm more practical. Partner पर इतना rely नहीं करते कुछ मसला होता है ना हम खुद ही निकल जाते हैं उस चीज़ में और फिर सामने वाले को भी होता है ना share क्यों नहीं किया nature पर भी होता है ना I'm like more practical. Okay. Very practical. तुम्हें किसको थप्पड़ मार? एक दफा. वो कितनी दफा मारा है? कितनों ने अपनी? No, I will not mention the names. कैसे? Like कैसे? किस हरकत की वजह से कोई पीछे लगा किसी ने बोला सना मैंने पुलिस को थप्पड़ मारा था बताओ क्यों मारा पुलिस साहब को बस उस वक्त बात ऐसी हुई तो थप्पड़ मार दी क्या हुआ था वो गन लेकर आ गया वो गन लेकर आ गया सेट पे आई वाज जस्ट लाइक वर्किंग इन मूवीज दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई वाज वेरी यंग एंड मेरा जो मैनेजर मेरे से काम करता था उसने कहा ये बड़ा कोई खतरनाक किस्म का प्रोड्यूसर है और उसकी कोई फिल्म की हुई थी मैंने ना तो आई was unable to manage the dates so uh-huh. he was like wo zara badmashi wagera dikha raha tha wo gun leke aaya tha ji haan ji ab bataye maine kaha ji kya hota hai ke paise aapko wapas mil jayenge kya baat hui aise jab usne kiya na main rakh ke usko chamaad di maine kaha aye hai to mujhe nikalo isko set se to maine karungi to phir uske baad to ek sannata ho gaya na aha aur wo usne kaha main ye kar dunga usne isko maine wo baad mein dekhungi main अभी मुझे तो कभी डर नहीं हुआ लाइक एक होता है जो एक वो वाला जो जमाना था दैट वाज वेरी डिफरेंट प्रोफेशनलिज्म भी बहुत अलग था आई बिलीव लोग इतने दैट्स व्हाई आई लाइक आई अभी जो है सो मेनी थिंग्स बिकॉज़ ऑफ दैट इट्स सो डिफरेंट अभी तो ऑनेस्टली कोई किसी के ऊपर उंगली भी नहीं लगा सकता दिस इज हाउ इट इज एंड इट इज एक्चुअली गुड बहुत दफा तो नीचे भी बड़ा गलत इस्तेमाल हुआ है बेचारे बंदों के ऊपर आई फील वेरी बैड आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड अप फेमिनिस्ट और यू नो नहीं यू राइट देखें अभी इनफैक्ट चीज़ें और तरह से हो गई हैं और जैसे कहते हैं ना मैं कहती हूँ कि करप्शन कभी नहीं जा सकती इस मुल्क से महंगी हो सकती है यार करप्शन नहीं जा सकते लोग जा रहे हैं करप्शन तो जा ही नहीं रही है आई बिलीव जितने नए लोग आ रहे हैं और नई तरीके की करप्शन आ रही है खैर कोई बात नहीं अभी आपको यह और ना बोलना है कभी दिल छूटा यह पाकिस्तान मीडिया में कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है कभी किसी शूट पर दूसरे का खाना खा लिया हो पूछे बगैर मैं लगती हूँ ऐसे मैं शूट पर अपना खाना लेके जाती हूँ हाँ किसी ने आपका खाना खा लिया पूछे बगैर ये सवाल होना चाहिए और ये खा चुके हैं वैसे और मैंने ऐसे देखा कि ये मेरा एक मतलब डाइट का खाने का ये होता है कि लाइक यू नो यू हैव टू हैव दैट सम क्वांटिटी एक पोर्शन होता है एक पोर्शन आपने एक क्वांटिटी के हिसाब से लाए एंड देन यू नो और क्योंकि आपको और बुरा लगता है कि उसने दूसरा खाना भी खाना है हाँ फिर आपने किसी का क्यों चीना हराम कर रहा है हाँ कि ये भी ट्राई कर लिया नहीं यार मैं तो I'm on a diet or something and then मैं उनको दूसरे ही दम में देखती हूँ कि वो दूसरा खाना भी खा रहे हैं वेरी गुड हाँ राउंड टू चल रहा है राउंड टू भी चल रहा है कभी ऐसा हुआ है फकर भाई क्या फोन चेक किया हो मैंने हाँ
नहीं था ना सो ओके अच्छी बात है यार इट्स गुड आई थिंक यार फोन दे दो हां शेयर उसके सारे के उसके पासवर्ड मेरे पास होते हैं बिल्कुल आप ही ऑपरेट करें इंस्टाग्राम मेरे पासवर्ड उसके पास होते हैं दैट्स हां अच्छी बात है बैलेंस डील कभी किसी दूसरी एक्ट्रेस के सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स में कुछ लाइक लड़ाई पंगा कुछ बोला है जैसे ट्रोलिंग जो होती है नो नो कभी किसी को डिफेंड किया है किसी को कुछ बोल दिया नीचे आपकी तस्वीर के नीचे किसी ड्रॉन को मैं अपने खुद को तो कभी डिफेंड नहीं करती लेकिन मैं अपनी क्लोज फ्रेंड्स जो अगर उनको कोई कुछ कहे तो मैं कभी कभी कर देती हूँ ओके कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा था यार ये रोल तो मुझे मिलना था एक होता है ना एक ड्रामे में आप बैठते हो और यू लाइक आई मेड माय थिंग व्हेन लाइक यू नो व्हाटएवर थिंग्स कम्स इन माय वे माय जॉब इज टू मेक इट माइन लाइक यू नो आई टर्न इनटू माय स्टाइल So I don't think that के ये मुझे करना है ये मुझे करना चाहिए I believe on कि जो आपके नसीब में होता है आपको मिल जाता है ओके आखिरी झूठ कब बोला अभी बोले बोले क्या बोला क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ actually मैं ऐसे I'm like just kidding ओके नहीं झूठ तो मैंने बहुत कम बोलती हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे बोलना चाहिए यार बहुत फायदेमंद है झूठ बहुत फायदेमंद है मैं बस रोडों पर एक झूठ बोलते हैं कौन से वाले झूठ कि मैं आ रहा हूँ 5 मिनट बोलो झूठ काफी सारे झूठ बोलते हैं अब नहीं बोलते लेकिन मैंने कहा कि आप मुझे भी सिखा देंगे कौन सा इंग्रेडिएंट जरूरी है एक हैप्पी मैरिज के लिए हैप्पी मैरिज एग्जिस्ट करती है मैंने ये देखा है कि मैरिज लाइफ में कहाँ पर चीजें जो है वो कोलैप्स करती हैं जहाँ पर आप अपनी हर चीज मनवा रहे होते हैं बट आप अगले की केयर नहीं कर रहे होते कि तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बैलेंस इट्स डिफिकल्ट दो इट्स वेरी डिफिकल्ट यू नीड टू वर्क ऑन दैट एंड आई डू दैट एब्सोल्युटली एंड आई आल्सो थिंक दैट यू नो गलतियां इंसान करता है देखो भाई बहनों में जब आप रहते हो कितनी दफा आप एक दूसरे की गलती करते हो लेकिन आप एक दूसरे से जुदा होते हो नहीं ना अगर कोई खिलाफ आ जाए यू गाइस शुड हैव द एग्जैक्ट भाई बहन वाला बॉन्ड नहीं प्लीज मेरा बीवी वाला बॉन्ड लेकिन फीलिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए यू गाइस शुड बी देयर फॉर ईच अदर सो इवन इफ यू फक्ड अराउंड जस्ट एक्सेप्ट इट एंड से सॉरी एंड मेक इट वर्क दैट इज अ हैप्पी मैरिज देयर इज नो हैप्पी मैरिज आई थिंक आई लाइक इट सबर सुकून शांति बिल्कुल शी लाइक्स इट थम्स अप गाइस ब्रूस ली सेज यस अगर तुम मर्द होती तो कौन होती यार ये सवाल है मर्द होती कौन होती किसको शादी करती किसको डेट पर ले जाती और किसको ठुकरा देती अगर ये मर्द होती अगर तुम मर्द होती और कौन सा किस तरह वाला मर्द होता बगर को बगर भाई कितने अजीब लग रहे होते लड़की फुल सीना तान के निकली हुई धाड़ बगर भाई का मर्द ही वो लड़की बहुत बुरा लगेगा अच्छा नहीं लगेगा यार बड़ी बड़ी जाति होती सारे लोग वही ट्रॉल कर रहे होते मैं मुझे इससे कोई मैं सारी चीजें लाइक नहीं पर एक होता है ना कि अगर मैं एक लड़का होता मैं इस एक्ट्रेस को डेट करता तो उसको शादी करता और इस वाले को तो रिजेक्ट करता मैं ऐसा नहीं सोचती अरे किसी एक बंदे को तो लाइक एक होता है ना बंदा बोले यार खुद को डेट करती हूँ खुद को अपने आप से प्यार करती हूँ भाई ये तो एक इमेजिनेशन है सो इमेजिनेशन में कुछ भी कर सकते हैं ओके अपने आप से प्यार ओके अपने आप से प्यार करती हूँ आई लव मायसेल्फ ओह वाओ इतना प्यार उफ प्यार इस रूम से उबल रहा है नहीं बट फिर यू लव योरसेल्फ तो रिजेक्ट किसको करती रिजेक्ट किसको करती अगर बीइंग अ मैन या हम आपको ऑप्शंस दे देते हैं मीरा या नूर नहीं मैं उनको रिजेक्ट क्यों करूं ओके तो हम कौन से ऑप्शन दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स हैं बाय द वे किसको बताओ ना किसको रैंडमली किसी को भी चुन लो मेरे अलावा इसलिए मुझे पता है रिजेक्ट ही हूं नहीं रैंडमली किसी को भी नहीं मैं मैन नहीं हो सकती आई एम हैप्पी बीइंग अ वुमन You were talking about, you know, women empowerment, women domination. कभी कभी एक मर्द होना जरूरी होता है in a woman's life to define her path. तो why? I guess मुझे लगता है कि आप जितनी भी freedom कह लें और आपको access जो life का है उसके पीछे एक मर्द का हाथ होता है एक positive मर्द का एक पॉजिटिव नहीं एक ऐसा माइंड जो कि प्रोग्रेसिव होता है एक ऐसा माइंड होता है वो फादर हो सकता है वो ब्रदर हो सकता है वो आपका हस्बैंड हो सकता है
वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। तो मेरा कहना यह है कि लोग ये जो वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करती हैं, वुमेन तब तक एम्पावर नहीं हो सकती जब तक आप अपने मर्द को इज्जत नहीं देंगे इन अ वे इन ऑन एवरी लेवल। उसमें आपकी मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई रिबेलियस हूँ कि मैं कहूँ कि ये होना चाहिए। हर एक अपनी लाइफ स्टाइल है, हर एक अपना वे है, मगर अपनी मर्जी से करें। और अपने जब आप, मैंने अक्सर देखा है जैसे बहुत पहले जब मैंने शादी की थी, बनाया गॉट मैरिड, तो एक ट्रेंडिंग था एक्ट्रेसेस मोस्टली फिल्म की एक्ट्रेसेस शादी करके 10-10 साल के बाद बताती थी। तो आई फेल्ट रियली, हाँ मुझे एक बात बता, ये क्यों छुपाती थी, ये एक क्या जलमा था कि अगर किसी लड़की ने शादी कर ली उसकी इमेज वैल्यू कम हो जाएगी या उसको यू नो शी इज नो मोर हीरोइन लीड। वो अब तो शुक्र अल्लाह का कि अब तो सोशल प्रेशर होता है ना कि वो ये तो मैरिड है एंड यू नो बच्चे हो गए तो बुढ़ी हो गए, हाँ समझ में नहीं आता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना वो सोशल प्रेशर होते हैं। हाँ तो आपकी जिंदगी में जो भी आप अपने मैं तो जैसे मेरे बेटे हैं दो, आई एम एजुकेटिंग देम, ये मेरे पे है कि मैं उनको किस तरह का आदमी की जो अपब्रिंगिंग होती है उसकी माँ का बहुत अहम किरदार उसकी जो तो उससे ही डिफाइन होता है। और ये जितनी भी आपने देखी इनसिक्योरिटीज आदमियों के माइंड में है ये घर से निकली हुई, ये घर से निकलती है, ये अपने अबू जान अम्मी जान को देख देख आपने पहले बात की ना कि औरत के दुश्मन होती है, इट्स एक्चुअली ट्रू इन अ वे, क्योंकि औरत ही बोलती है कि वो इसको प्रोवोक करती है बहुत सारी चीजें, वो कोकिला बहन बनी हुई होती है ना। यस अच्छा चलो जी अभी हम रैपिड फायर करते हैं, टेलीविजन या फिल्म क्या चीज करो जो बताओ। एब्सोल्युटली सैड नो या जावेद शेफ, जावेद मोटरबाइक या जिमी, बोथ नो एक लेना है लाइक लेट्स बोथ ओके जिमी यार जिमी यार बाइक को छोड़ दो उसको घर में अकेले फिर जा रहे हैं किसको गाड़ी लगाएंगे गिर जाते हैं। ये दिल आपका हुआ या संगम, ये दिल आपका हुआ है। रेशम या मीरा, मीरा। शान या ममराना, ममराना। ज़ारा या मैंगो ब्रांड, मैं थोड़ी मैंने बोले ज़ारा के बाद आम क्यों मैंगो मैंगो आपको आम चाहिए oh yeah yes we mango people। यासिर नवाज या निदा यासिर, पागल हूँ मैं यासिर नवाज बोलूँ ऑफकोर्स निदा यासिर। बर्गर या बिरयानी, बिरयानी इज़ फाइन यार। क्या पकाती हो अच्छा दिमाग और क्या पकाती हो जिसे पकाना उसे बताती हूँ बताओ ना लाइक क्या एक कोई फेवरेट डिश जो बच्चों को पसंद है व्हिच यू से उफ मैं इस पर एक्सपर्ट हूँ लाइक आई एम पराठा बहुत अच्छा बनाती हूँ पराठा कीमी के कीमा एंड खीर पराठा पराठा हाउ डू यू मेक देम गोल यार ये वैसे सरप्राइज है ये मैंने पेंडामिक में बनाना सीखा बिकॉज हुआ ये कि जो मेरा बेटा है वो पराठा खाता था नाश्ते में और जो बच्चा हमारे साथ कुक था वो बना रहा था तो वो चला गया तो फिर मैंने कहा कि इस तरह का गोल पराठा मैंने कुछ 2 हफ्ते प्रैक्टिस करके सीख लिया। चलो अच्छी बात है तो बना गई। वाह क्या मुझे बताओ कोई एक ऐसी रूमर जो आपने अपने बारे में सुनी है ना मतलब कि क्या ये क्या हुआ बहुत सारी सुनी है ना आई डोंट केयर आई मीन कोई एक बता दो जो आपने बोला अल्लाह क्या हो गया इस तरह ने एडवांस सर्जरी करा ली एडवांस सर्जरी करा एडवांस क्या एडवांस सर्जरी क्या होती है भाई ये एडवांस सर्जरी क्या होती है। बेस्ट पिकअप लाइन किसी ने आपको बोली है शायद फखर जी आपने बोला ना रोमांटिक रोमांटिक कोई ऐसी पिकअप लाइन शेरो शायरी नो आईडिया नहीं मुझे अभी याद नहीं आ रही क्या अभी याद नहीं आ रही ओए 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 ओके कोई कोई भी रोमांटिक चीज जो इन्होंने रिसेंटली भी किया हो लाइक फूल दिया हो कुछ यू नो केक बनाया हो कुछ क्या डिनर पे लेके डेट पे लेके क्या अभी परफ्यूम दिया था मुझे परफ्यूम दिया ओह नाइस। 3 पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस जिनको आप बोल सकते हैं कि ये है ब्यूटी विद ब्रेन्स। नरेश नरेश भैया आई लाइक हर शी इज ब्रेनी एंड शी इज स्मार्ट एंड माहिरा खान शी आल्सो स्पीक्स सो वेल जल्दी बता मीरा थैंक यू मैं लड़की का दिमाग ही चेक कर रही थी बादाम खाती है। थैंक यू सो मच सना यू केम यू गेव अस टाइम बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके। थैंक यू सो यस थैंक यू सो मच हमारे प्यारे गेस्ट थी सीटी बजाने के लिए मेरी वो हाँ ये रही मैंने सीटी रखी थी इनके लिए बट खैर एनीवेज गॉड ब्लेस यू अल्लाह हाफिज।